चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 11 शुरू करते हैं, जिसका नाम है एमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। देखो, हमारी इंडियन इकोनॉमी, आप लोगों को ध्यान है कि हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है ना। हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री कहलाती है, डेवलप्ड अभी नहीं है। जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, जो डेवलप्ड कंट्री होती है, उनमें भी काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो डेवलपिंग कंट्री में तो उनसे ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी फिर, सही बात है ना। हमारी कंट्री में 1991 में कुछ चेंजेस आए थे, जो चेंजेस हमारे इकोनॉमिक चेंजेस कहलाते हैं, जो आते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसकी वजह से 1991 के बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी एकदम चेंज हो गई। हमारी इकोनॉमी ने ग्रोथ बहुत अच्छी की, बहुत आगे बढ़ी हमारी इकोनॉमी, ये बात सही है। लेकिन उस ग्रोथ के साथ साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई, और उन प्रॉब्लम्स, उन इश्यूज के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, कि जिनमें मेनली थ्री इश्यूज आते हैं। वो आते हैं माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज, तो इनके बारे में अगर समझे ना, जैसे सबसे पहले हम लोग माइग्रेशन के बारे में समझे। माइग्रेशन, तो माइग्रेशन जो है वो प्रॉपरली किसे कहते हैं हम लोग, सिंपल भाषा में अगर समझो, सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे कहा जाए, तो माइग्रेशन मतलब कहलाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना, एक प्लेस छोड़कर दूसरे प्लेस पर चले जाना, तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। बरोबर, जैसे अभी अगर मैं सूरत में रह रहा हूँ और सूरत छोड़ के मैं अहमदाबाद रहने चले जाऊँ, तो ये एक तरह का माइग्रेशन कहलाया। बरोबर, माइग्रेशन जो है वो जनरली कोई भी पर्सन जो है वो अपने कोई एक प्लेस पर, कोई भी रीज़न से, जो रीज़न पे आगे हम लोग देखेंगे, कोई भी रीज़न से, भले वो जॉब की रीज़न हो, ऑक्यूपेशन, बिजनेस के लिए, या फिर जो है वो अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड ढूंढने के लिए, है ना, या एजुकेशन के लिए, कोई भी वजह से जब अपना नेटिव प्लेस छोड़कर, अपना गांव, अपना शहर वो छोड़कर, और दूसरे गांव, दूसरे शहर, इवन दूसरी कंट्री में भी चला जाता हो, तो उसे एक तरह से माइग्रेशन कहते हैं। बरोबर, माइग्रेशन जो है वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों होते हैं। लॉन्ग टर्म माइग्रेशन वो कहलाता है कि जब जो है वो कोई पर्सन अपने देश में या देश के बाहर लॉन्ग टर्म के लिए या ऑलमोस्ट हमेशा के लिए वहाँ चले जाता हो, है ना। और शॉर्ट टर्म वो कहलाता है जो पर्टिकुलर जॉब के लिए या पर्टिकुलर वर्क के लिए जाता हो। जैसे कोई एजुकेशन लेने के लिए 3 साल तक जो है वो दूसरे देश में पढ़ाई करने गया, या दूसरे शहर में पढ़ाई करने गया, 3 साल के बाद अपने गाँव, अपने शहर वापस, तो ये शॉर्ट टर्म माइग्रेशन कहलाया ना। लॉन्ग टर्म माइग्रेशन मतलब जो जॉब करने के लिए गया है, अब जॉब या बिजनेस करने के लिए जो बाहर जाते हैं, तो उनका जॉब या बिजनेस काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। बरबर ना, तो वो लॉन्ग टर्म माइग्रेशन कहलाता है। अरे बात समझ में। इनके अलावा भी माइग्रेशन के दूसरे टाइप्स अगर देखें, तो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन दो बेस्ड पर आते हैं। एक प्लेस बेस्ड क्लासिफिकेशन में आता है माइग्रेशन का, और एक रीजन बेस्ड क्लासिफिकेशन आता है। पहले माइग्रेशन के बारे में अगर हम लोग समझें, प्लेस बेस के हिसाब से समझें, तो प्लेस के अकॉर्डिंग जो है वो माइग्रेशन के दो टाइप आते हैं। वो आता है इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन। प्लेस के हिसाब से माइग्रेशन के दो टाइप, इंटरनल और इंटरनेशनल। नाम से ही पता चलता है कि जो माइग्रेशन विद इन कंट्री होता हो, एक ही देश के अंदर अगर होता हो ना, तो उस माइग्रेशन को इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं। बरूबर, कि जैसे गुजरात के रहने वाला कोई पर्सन जो है वो पंजाब में रहने चला गया हो, बरूबर, या पंजाब का कोई पर्सन जो है वो महाराष्ट्र में रहने आ गया हो, तो इस तरह से एक ही कंट्री में अगर माइग्रेशन होता हो ना, तो उसे हम लोग इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं। और दूसरा आता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन मतलब वो माइग्रेशन कहलाता है कि जहाँ पर जो है वो माइग्रेशन विद इन कंट्री नहीं, लेकिन आउटसाइड द कंट्री, कंट्री के बाहर अगर माइग्रेशन होता हो, तो उसे इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। जैसे गुजरात का कोई पर्सन जो है वो अपनी जॉब ढूंढने के लिए या कामकाज, बिजनेस करने के लिए, कितनी बार पढ़ाई के लिए खाली, वो दूसरे देश में चला जाता हो। बरूबर ना, जैसे यहाँ से अमेरिका गया हो, यहाँ से इंग्लैंड गया हो, जर्मनी गया हो, ठीक है, तो ऐसा माइग्रेशन क्या कहलाता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन कहलाता है। अरे ना ध्यान, ये दोनों कहलाते हैं हमारे प्लेस बेस्ड माइग्रेशन। प्लेस के अकॉर्डिंग ये दो टाइप के माइग्रेशन आते हैं। और दूसरा दूसरा आता है, वो आता है रीजन बेस्ड माइग्रेशन।
रीजन के हिसाब से। तो रीजन के हिसाब से भी दो टाइप के माइग्रेशन आते हैं, एक आता है माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर्स और दूसरा माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर्स। दोनों ध्यान से समझना, एक आता है पुल फैक्टर, दूसरा आता है पुश फैक्टर। तो पुल फैक्टर किसे कहते हैं? पुल फैक्टर जनरली होता है अट्रैक्शन फैक्टर्स, अट्रैक्शन की वजह से, और पुश फैक्टर मतलब कहलाता है कंपल्शन की वजह से, या कहें हम मजबूरी की वजह से। पहले समझे माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर, है ना, मतलब अट्रैक्शन की वजह से होता है। कितनी बार ऐसा होता है कोई पर्सन कोई एरिया में रहता है, कोई पर्टिकुलर प्लेस पर रह रहा है, लेकिन दूसरे एरिया, दूसरे शहर, दूसरा देश, वहाँ की लाइफस्टाइल देखकर, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देखकर, उसकी वजह से जो है वो अपनी प्लेस छोड़कर वो वहाँ पर रहने चले जाते हैं, बरबर ना। इसे कहते हैं माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर। जैसे हमारी कंट्री में ऐसा होता है कि जैसे गांव में रहने वाले कोई लोग हैं ना, वो शहर को देखते हैं कि यार शहर में तो इतने अच्छे पक्के रोड हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर, कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, बरबर, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, कम्युनिकेशन अच्छा है यहाँ पर, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज सब शहर में अच्छी मिल रही हैं। तो ये अट्रैक्शन लेकर वो गांव छोड़कर शहर में आकर रहने लग जाते हैं, इसे कहते हैं माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर, बरबर ना। अट्रैक्शन की वजह से जो माइग्रेशन होता हो वो, वैसे ही कोई कंट्री के बाहर भी होता है। हमारे इंडिया में रहने वालों को, बहुत लोगों को ये ऐसा अट्रैक्शन है कि नहीं यार दूसरे देशों में रहना है, दूसरे देशों में देखो तो सही कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, बरबर, कि वहाँ के कानून अच्छे हैं, वहाँ की एजुकेशन अच्छी है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, कि भाई वहाँ पर जो है वो इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो इंडिया में नहीं मिलती। तो ऐसा एक तरह का अट्रैक्शन होता है, बरबर ना। तो ये अट्रैक्शन की वजह से जो माइग्रेशन होता हो वो कहलाता है पुल फैक्टर माइग्रेशन, और दूसरा आता है माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब ये कहलाता है कि कंपल्शन की वजह से, कहो मजबूरी से, या तो किसी ने जो है वो दबाव डाला हो, प्रेशर डाला हो, उस प्रेशर की वजह से जो माइग्रेशन होता हो वो माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर कहलाता है। जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि गांव में ही रहने वाले लोग, वही एग्जांपल दे रहा हूँ, गांव में रहने वाले लोग कि उन्हें गांव में बिल्कुल नौकरी नहीं मिल रही, कोई कामकाज नहीं मिल रहा, कोई ऑक्यूपेशन नहीं मिल रही, बरबर, अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, और घर वालों का प्रेशर होता है, घर में प्रेशर होता है कि भाई घर में इतने सारे लोग हैं और कोई कमा नहीं रहा है, खाना पीना कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, तो उनको मजबूरी से गांव छोड़कर शहर में जाना पड़ता है कि चलो गांव में कुछ भी नहीं मिल रहा है, कम से कम शहर में जाते हैं और वहां जाकर जो है वो थोड़ी सी मजदूरी कर लेंगे। तो गांव छोड़कर उन्हें शहर में जाना पड़ता है ना, ये भी एक तरह का माइग्रेशन, लेकिन खुशी से नहीं, मजबूरी से जाना पड़ता है, कंपल्शन से जाना पड़ता है, इसे कहते हैं माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर, बरोबर। होता है ना ऐसा माइग्रेशन भी, कितनी बार लोग जो है वो अच्छी एजुकेशन के लिए भी जाते हैं कि यार हमारे गांव, मुझे पढ़ना लिखना है, लेकिन हमारे गांव में जो है वो अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, तो इसकी वजह से मैं बाहर के गांव में जा रहा हूँ, मतलब दूसरे शहर में जा रहा हूँ या दूसरी जगह जा रहा हूँ कि वहाँ पर जो है वो अच्छी एजुकेशन है, कि मुझे आगे बढ़ना है, उसे कहते हैं माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर। आ रहा है ना ध्यान? तो ये जैसे माइग्रेशन के टाइप्स देखे ना, उनके बाद एक पॉइंट आता है, वो आता है कॉजेस, कॉजेस ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के रीजंस। तो इनके रीजंस भी अलग अलग तरह से हैं। पहला एक इकोनॉमिक कॉजेस आता है, इकोनॉमिक रीजंस। माइग्रेशन मेनली इकोनॉमिक रीजन की वजह से ही होता है, मतलब पैसों की वजह से। 99% जो माइग्रेशन होता है वो पैसों की वजह से ही होता है, और उनमें भी कौन कौन से इकोनॉमिक रीजंस वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पहला है फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, ज़्यादातर लोग जो है वो माइग्रेशन करते हैं किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के लिए, या कोई ऑक्यूपेशन या बिजनेस के लिए, कोई काम धंधे के लिए, उसके लिए माइग्रेशन किया जाता है ना, कि दूसरी जगह पर ये अच्छा मिलेगा हमें, फ़ायदा वो। दूसरा आता है ट्रांसफ़र, कितनी बार जो है वो माइग्रेशन किया जाता है ट्रांसफ़र की वजह से, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस होती है तो गवर्नमेंट ऑफिस में फिर ट्रांसफ़र करवाया जाता है ना, सूरत में रहने वाला कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कुछ सालों बाद उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं कि चलो भाई अब जो है वो तुम्हें राजकोट में जाके पढ़ाना है ना, यहाँ राजकोट में जाके तुम्हें काम करना है, तो ये ट्रांसफ़र, उसकी वजह से भी माइग्रेशन होता है। यहाँ एक्सटेंड टू नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सटेंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि कितनी बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर प्लेस है,
कि जहाँ पर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वहाँ पर लोग कम रहते हैं। नेचुरल रिसोर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन जो है वो लोग वहाँ पर बहुत कम हैं, और इसकी वजह से वहाँ पर है ना फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, तो लोग जनरली ऐसी प्लेसेस पर चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें नेचुरल रिसोर्स मिले। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूएई, दुबई जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो, कि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, बहुत बेटर है वहाँ पर इंडिया के कंपैरिजन में भी, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। तो नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा और पॉपुलेशन कम हो ना, तो वो कंट्री ज़्यादा डेवलप करती है, जल्दी डेवलप करती है। तो हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज नहीं है वो रिसोर्सेज लोगों को वहाँ मिल जाते हैं, तो इसकी वजह से कितनी बार इंडिया छोड़कर वो लोग वहाँ चले जाते हैं कि चलो वहाँ पर है नेचुरल रिसोर्सेज है ना, तो वहाँ पर वो जो भी बिजनेस करेंगे तो वो बिजनेस जो है वो उनके लिए बेटर रहेगा, बरबर ना। वहाँ पे जाकर वो कोई भी बिजनेस करेंगे तो वो उनके लिए फायदेकारक रहेगा, इसीलिए वो जनरली वहाँ चले जाते हैं। इसके अलावा टू अटेंड बेटर क्वालिटी एजुकेशन, कितनी बार एजुकेशन के लिए भी, कि कोई पर्टिकुलर प्लेस पर अगर एजुकेशन फैसिलिटीज़ ना हो तो वो अपनी अच्छी एजुकेशन के लिए, ज़्यादा एजुकेशन के लिए बाहर के देश में या दूसरे शहरों में चले जाते हैं, बरबर ना। ये भी एक तरह का माइग्रेशन का रीज़न ही है ना, बरबर, कि सिर्फ एजुकेशन के लिए ही, कि अगर जो गांव में रहते हो वहाँ पे उन्हें एजुकेशन मिल ही नहीं रहा है, भाई यहाँ पर तो कोई अच्छा स्कूल ही नहीं है, यहाँ स्कूल है तो आप कॉलेज नहीं है, स्कूल तक चलो गांव में पढ़ लिया, अब कॉलेज तो है नहीं, उन्हें आगे पढ़ना है तो वो कहाँ जाना पड़ेगा, शहर में ही और वहीं पर ही रहना पड़े। तो ये भी एक तरह का माइग्रेशन हुआ ना। या टू गेट मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज, कितनी बार हेल्थ सर्विसेज की वजह से भी माइग्रेशन होता है। कोई पर्सन अगर कोई गांव में रहता हो और वो हमेशा बीमार रहता हो या उसे कोई प्रॉब्लम हो और डेली डेली डॉक्टर का चेकअप होने चाहिए हो, या उन्हें डॉक्टर की नीड हो अगर, और डॉक्टर गांव में सही मिल नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा उनको, कितनी बार इस रीज़न की वजह से भी गांव छोड़कर शहर में आना पड़ता है कि भाई शहर में हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है, वहाँ पर डॉक्टर्स अच्छे हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पर जो है वो लोग अच्छी तरह से अपनी हेल्थ सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये भी माइग्रेशन का एक रीज़न बन जाता है। और दूसरा प्लान्ड माइग्रेशन, कितनी बार प्लानिंग के थ्रू कोई कोई पर्सन प्रॉपर प्लानिंग से जो है वो माइग्रेशन करते हैं, कि जिसमें कितनी बार वैसा होता है ना कि भाई प्लानिंग में जो है वो कोई एक फैमिली में 5 लोग रहते हैं, तो उन 5 लोग में से कोई एक पर्सन को खाली जो है वो पहले दूसरे देश में या दूसरे शहर में भेजा जाता है। वो पर्सन दूसरे शहर में जाएगा, वहाँ पर काम धंधा करके खुद को सेट कर लेगा, जब वो सेट हो जाए, लगे कि अब सब ठीक है, तो फिर अपने बाकी के फैमिली मेम्बर्स को भी वहाँ पर बुला लेगा, बरबर ना। पहले ही पूरी फैमिली ले जाना तो वो मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि क्या पता भाई वहाँ पर जो है वो अच्छी तरह से सेट ना हो, तो इसलिए पहले कोई पर्सन अकेला जाता है और उसके बाद वहाँ पर जो है वो अपनी फैमिली को भी बुला लेगा। तो इसे एक तरह की प्लान्ड माइग्रेशन कहते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने माइग्रेशन की। सही बात है ना, पूरी फैमिली हो तो पहले हस्बैंड वहाँ पे जाएगा, वो जो है वो 1-2 साल वहाँ पे काम करके खुद को सेट कर लेगा, घर हो गया अच्छी तरह से, नौकरी पक्की हो गई वहाँ पर, तो फिर अपनी फैमिली को भी बुला लेगा, बरोबर। ये प्लान माइग्रेशन कहलाया ना। ये सब माइग्रेशन के रीजंस हैं, वो है इकोनॉमिक रीजंस। और दूसरे रीजंस आते हैं, दूसरे कॉजेस आते हैं, वो आता है सोशल कॉजेस, कि सोशल कॉजेस की वजह से भी माइग्रेशन होता है, कि जिनमें सोशल कॉजेस में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट आता है वो आता है मैरिज, बरोबर। हमारे इंडिया का जैसे रूल है और ऑलमोस्ट हर जगह पर ये रूल है कि जब मैरिज होती है तब वुमेन जो है, जो लड़की जो है, वो अपना घर छोड़कर दूसरे अपने पति के घर पर जो है वो रहने चली जाती है, बरोबर ना। ये एक तरह का सोशल माइग्रेशन कहलाया ना, बरोबर, माइग्रेशन ड्यू टू सोशल कॉजेस, कि सोसाइटी के रीजंस की वजह से ये माइग्रेशन है। अब इसमें अगर उसके हस्बैंड का घर उस सिटी में ना हुआ, दूसरे सिटी में हुआ, तो ये तो उसका कंपलसरी माइग्रेशन कहलाया ना, कि भाई वो अपना शहर छोड़कर उसे दूसरे शहर जाना पड़ा मैरिज की वजह से, ये माइग्रेशन का एक रीज़न। या दूसरा, टू गेट रिस्पाइट फ्रॉम सोशल राइचुअल्स, टू गेट रिस्पाइट, गेट रिस्पाइट मतलब पीछा छुड़ाना, कितनी बार सोशल राइचुअल्स मतलब जो सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशंस, या कहो कि जो नैरो माइंडेड थिंकिंग, पुराने रीति रिवाज, सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, के इन सब से जो है वो अगर पीछा छुड़ाना हो तो भी कितने लोग जो है वो पर्टिकुलर प्लेस छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। अब ऐसा गांव में बहुत ज़्यादा होता है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है,
कि गांव में ऐसा होता ही है कि वहाँ के अगर जो यंग पीपल हैं वो पढ़े लिखे हैं, बरबर ना, वो पढ़ लिख लेते हैं, बाहर जाकर उन्होंने कॉलेज में स्टडी की है, फिर जब वो अपने गांव में आकर रहते हैं ना, तो गांव में पुराने रिवाज, वहाँ की जो है वो छोटी सोच और ये सब उन्हें पसंद नहीं आती, बरबर, वो उन्हें पसंद नहीं आती ये सब बातें, तो इसकी वजह से वो कितनी बार अपना गाँव छोड़कर और शहर में चले जाते हैं कि जहाँ पर वो खुले मन से रह सकें, ऐसे रीति रिवाज, ऐसे अंधविश्वासों में वो कुछ माने नहीं, मॉडर्न थिंकिंग हो, मॉडर्न लाइफस्टाइल हो, वो उन्हें चाहिए हो, कि वहाँ पर जो है वो पुरानी लाइफस्टाइल से गांव में रहना पड़ता था, अब ये मॉडर्न लाइफस्टाइल में उन्हें रहना पसंद है, तो इसकी वजह से भी तो उन्हें माइग्रेशन करना पड़ता है ना, बराबर ना, ये भी एक तरह का सोशल कॉज है। और दूसरे आते हैं, वो आते हैं पॉलिटिकल कॉज, पॉलिटिकल कॉजेस, मतलब गवर्नमेंट की वजह से कितनी बार, कि जिनमें पॉलिटिकल कॉजेस में आते हैं वॉर या अनरेस्ट, कितनी बार ऐसा हो जाता है कि भाई कोई कोई प्लेसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर कंटिन्यूसली जो है वो वॉर जैसी सिचुएशन हो, वहाँ पर दंगे फसाद होते रहते हो, लड़ाइयाँ होती रहती हो, झगड़े होते रहते हो, अनरेस्ट सिचुएशन कहते हैं ना, कोई आराम से रहता ही ना हो, हमेशा डर के रहना पड़े कि हम घर पे सोए भी हुए हैं तो क्या पता हमारे घर के ऊपर कब जो है वो कौन सा बम गिर पड़े, ऐसे डर में वहाँ पे रहना पड़ता है, बरबर ना, तो ऐसी सिचुएशन में रहना पॉसिबल नहीं होता, तो कितनी बार लोग जो है वो ऐसी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं कि जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर वो जो है वो रेस्ट के साथ, आराम के साथ रह सकें, बरबर, तो ये पॉलिटिकल कॉजेस में आते हैं ना, इनकी वजह से भी तो माइग्रेशन हुआ ना, जैसे हमारे इंडिया में बहुत प्लेसेस पर ऐसा होता है, कश्मीर से ये शुरुआत हुई थी कि कश्मीर में जो है वो जब ऐसी सिचुएशंस बढ़ गई थी तो उसकी वजह से वहाँ के कितने सारे लोगों ने जो है वो माइग्रेशन कर लिया कि अब कश्मीर में नहीं रहना है भाई, यहाँ पे तो अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इससे अच्छा कोई दूसरी जगह पर जाकर रहें, ठीक है। या दूसरा आता है, वो आता है अवॉइड फ्रिक्शन, अवॉइड फ्रिक्शन, कितने सारे प्लेसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर कंटिन्यूसली फ्रिक्शन होता रहता है, फ्रिक्शन मतलब वही छोटे छोटे जो है वो दंगे फसाद होते रहते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया हो जहाँ पे दो अलग अलग कास्ट के लोग रहते हो, हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा है ना, कोई एरिया में अगर दो अलग अलग कास्ट के लोग रहते हो और वहाँ पर हमेशा झगड़ा होता रहता हो, या कोई ऐसा एरिया हो कि जहाँ पर हर कोई, हम लोग उसे कहते हैं ना भाई गुंडे जैसे लोग, बरबर ना, हमेशा गुंडे मवाली और ऐसे लोग रहते हो जो हर दिन वहाँ पर जो है वो झगड़ते रहते हो, आए दिन वहाँ पे जो है वो दो ग्रुप के बीच में झगड़ा होता रहता हो, और पुलिस गवर्नमेंट वो भी उन्हें कुछ नहीं कर पाती, आए दिन कुछ ना कुछ झगड़ा होता ही रहता है उस एरिया में, तो वहाँ पर कोई एजुकेटेड पर्सन अगर रहना हो कोई एजुकेटेड पर्सन को, तो वो नहीं रह पाएगा ना, वैसे ही कहेगा ना कि यार ऐसे कौन से एरिया में रहते हैं, यहाँ पे तो रोज झगड़े हो रहे हैं, इससे अच्छा इसे छोड़कर हमको शांति के एरिया में चले जाए, बरबर, तो ये आता है ना एक पॉलिटिकल कॉजेस में। और दूसरा होता है नेचुरल कैलिमिटीज या तो इन्वायरमेंटल कॉजेस, है ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या तो नेचुरल कैलिमिटीज की वजह से, ये भी होता है कितनी बार नेचुरल कैलिमिटीज होती हैं, जैसे कि फेमाइन, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, फ्लड, ये सब नेचुरल कैलिमिटीज हैं, और उसकी वजह से अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही हो जाती हो अगर, तो ऐसी तबाही से जो है वो बचने के लिए या इन तबाही से अब दूर होने के लिए उन लोगों को माइग्रेशन करना पड़ता है कि नहीं, उन लोगों को जो है वो पर्टिकुलर माइग्रेशन करना पड़ता है, फिर कि जहाँ पर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, उनका घर बार वगैरह सब कुछ जो है वो टूट गया, पूरा वहाँ का एरिया जो है वो बर्बाद हो गया, तो वो क्या करेंगे, अब ऐसी जगह पर उनको रहने का काम ही नहीं है, जहाँ पे उनका घर था वो पूरा घर तो चला गया, तो इसकी वजह से अब उन्हें वो कितनी बार शहर छोड़कर ही दूसरे शहर में जाना पड़ता है कि चलो अब इससे अच्छा तो दूसरे शहर में जाकर रहें, है कि नहीं। या कितनी बार इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब ये भी नेचुरल कॉज ही है कि कोई कोई पर्टिकुलर ऐसे एरियाज होते हैं जो आज के पॉल्यूशन की वजह से या दूसरे प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर वो प्लेसेस जो है वो डिग्रेडेड होते जाते हैं भाई, ख़राब होते जा रहे हैं, बरबर ना, तो उनकी वजह से भी कितने लोगों को जो है वो प्लेस छोड़नी पड़ती है। अब जैसे कोई एरिया हो भाई जहाँ पर कंटिन्यूसली फ्लड आते रहते हैं, कोई दिन बाकी ना हो वहाँ पर फ्लड, कोई साल बाकी ना हो जहाँ पर वो फ्लड ना आता हो, तो वहाँ का एरिया धीरे 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 खराब होता गया, तो इसलिए वहाँ के लोग अब सोचेंगे ही नहीं कि यार ये एरिया खराब होता जा रहा है, हर साल यहाँ बाढ़ आती है, हर साल नुकसान होता है, इससे अच्छा अब ये एरिया छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, बरबर,
तो ये एक तरह का एनवायरमेंटल फैक्टर कहलाए। दूसरा, कितनी बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट उन्हें हटाती है, जिसे डेवलपमेंट माइग्रेशन कहते हैं। गवर्नमेंट उन्हें हटाती है कि जैसे जैसे सपोज हमारे गुजरात में सरदार सरोवर डैम बना हुआ है ना, या जैसे अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना, तो उनके अंडर में अगर कहा जाए ना, तो उनके लिए ऐसा कहा जाता है जितने एरिया में ये पूरा डैम बना, पूरा जो है वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना, इस एरिया में पहले लोग रहते थे, लेकिन सरकार ने उन लोगों को हटाया, उन लोगों को हटाया और उनको ये कहा गया कि अब जो है वो यहाँ से आप लोग हट जाओ और यहाँ पर ये पूरा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनेगा, आप लोग दूसरी जगह पर जाकर रहो। तो ये डेवलपमेंट की वजह से, कंट्री के डेवलपमेंट की वजह से उन लोगों को हटाना पड़ा। कितनी जगह पर ऐसे डैम बनाते हैं तो भी वहाँ के लोगों को हटाया जाता है, कितनी जगह पर नेशनल पार्क बना दिया जाता है, गवर्नमेंट ऐसे एरिया रिजर्व रख देती है कि अब इस एरिया में कोई भी नहीं आएगा, बराबर ना, रिजर्व रख देती है, वहाँ पर नेशनल पार्क बना दिए जाते हैं, तो इसकी वजह से भी वहाँ के लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है, बराबर ना, ऐसा डेवलपमेंट माइग्रेशन कहते हैं। अरे बात समझ में? तो ये जैसे हमने देखा ना, ये सब इनके कॉसेस थे कि माइग्रेशन क्यों होता है। अब दूसरा एक पॉइंट आता है, वो आता है इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के फायदे क्या क्या हैं। तो इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन में दो टाइप के इफेक्ट आते हैं, एक आता है पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। माइग्रेशन की वजह से फायदा भी है और नुकसान भी है, हर चीज़ की हमेशा दोनों साइड आती है ना, कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होता है। तो सबसे पहले अगर फायदे देखें कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है, तो माइग्रेशन का पहला पॉजिटिव इफेक्ट आता है, वो आता है ग्रोथ ऑफ इनकम, ग्रोथ ऑफ इनकम। माइग्रेशन की वजह से जो है, जो लोग गांव छोड़कर शहर में रहने आते हैं, बराबर, और वहाँ पर उन्हें अक्सर जो है वो गांव से ज़्यादा उनको पगार मिलती है, ज़्यादा अच्छा काम मिल जाता है, ज़्यादा अच्छी पगार मिल जाती है, तो जिसकी वजह से इनडायरेक्टली उनकी इनकम बढ़ती है, बराबर ना। जो पहले नौकरी की अगर बात करें, गांव में वो लोग नौकरी करते हो तो उन्हें 3,000 पगार मिलती होगी, शहर में आकर वो नौकरी करते हैं तो उन्हें 10,000 पगार मिलती है, तो उन लोगों की तो इनकम बढ़ी ना, बराबर ना, उन्हें तो बेनिफिट लगता है ना कि चलो भाई शहर में आए, माइग्रेशन किया तो उसका ये फ़ायदा हुआ, ठीक है। या कितनी बार बिजनेस के लिए भी, जिस पर्सन ने गांव में अपना बिजनेस शुरू किया हो, छोटा सा बिजनेस गांव में ही शुरू किया है, तो वहां पर उसे इतनी अच्छी इनकम नहीं होगी, जितना अच्छा बिजनेस अगर वो वही उतना ही बिजनेस अगर वो शहर में शुरू करेगा तो वहां पर उसकी इनकम जो है वो ज्यादा अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो माइग्रेशन का ये एक पहला फायदा है कि लोगों की इनकम बढ़ती है, और इनकम बढ़ती है तो हमें पता है वो खुद ब खुद जो है वो अपनी लाइफस्टाइल वगैरह बढ़ाएंगे, ठीक है। या दूसरा बेनिफिट आता है ना, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड अ फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कितनी बार जब जो है वो माइग्रेशन किया जाता है, माइग्रेशन जब किया जाता है तो वो खासकर इसके लिए ही, 99% जो माइग्रेशन होता है वो बिजनेस के लिए, अर्निंग के लिए होता है, पैसों के लिए माइग्रेशन करते हैं। तो इसकी वजह से जब कोई पर्सन दूसरे जगह पर जाकर ज़्यादा पैसे कमाता है, तो उसकी वजह से उसका इनडायरेक्ट जो है वो कनेक्शन हमारी गवर्नमेंट से जुड़ता है ना। सीधी सी साइकिल की तरह अगर बताऊं कि अगर जो इंसान ज़्यादा कमाएगा तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स भी देगा, और ज़्यादा टैक्स देगा तो गवर्नमेंट उस टैक्स की कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर पाएगी। इसकी वजह से माइग्रेशन जब होता है तो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट जो है वो कंट्री को पहुँचता है, बराबर ना, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वो पहुँचता है कि नहीं। और इसके अलावा कि माइग्रेशन की वजह से जो है वो नए टैलेंट, नई स्किल, नई नॉलेज जो है वो एक से दूसरी जगह पहुंचती है। कोई गांव में रहने वाला इंसान हो, भले गांव में रहता हो, भले गांव में रहता हो, लेकिन उसे टैलेंट बहुत अच्छा है। अब वो जब तक गांव में ही रहता हो तो शायद उसका टैलेंट जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अगर वो शहर में आया तो उसका टैलेंट का यूज़ सबके लिए होगा, सबको बेनिफिट होगा, और इनडायरेक्टली पूरी कंट्री को उसका बेनिफिट होगा, तो ये फ़ायदा है ना उसका, बराबर ना। यहाँ फिर जैसे नेगेटिव इफेक्ट आता है, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन, कि देखो माइग्रेशन के जितने फ़ायदे हैं ना, उतने ही जो है वो उसके नुकसान भी हैं, कि हर चीज़ के जैसे फ़ायदे नुकसान होते ही हैं, माइग्रेशन के भी कुछ कुछ नुकसान हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन, अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन, कि माइग्रेशन की वजह से जो है वो कितनी बार अर्बनाइजेशन अनरेगुलेट हो जाता है,
जितना गवर्नमेंट प्लानिंग करती है फिर उसके हिसाब से जो है वो सिटी का क्या कहते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता। अब जैसे सरकार की हमेशा प्लानिंग होती है कि शहर एकदम साफ़ सुथरा रहे, हमेशा जो है वो अच्छी तरह से बना रहे, यहाँ पर पक्के घर हो, सब चीज़ें अच्छी तरह से हो, सरकार की ये प्लानिंग होती है ना, सही बात है ना। लेकिन जब माइग्रेशन होता है ना तो गाँव के लोग जो है वो शहर में आ जाते हैं, और शहर में आकर उन्हें कितनी बार अगर प्रॉपर नौकरी न मिली हो, वो जैसे इच्छा से आते हैं कि शहर में उनको नौकरी धंधा अच्छी तरह से मिल जाएगा, लेकिन अगर उन्हें नौकरी धंधा न मिलता हो, बरोबर कामकाज उन्हें न मिला, पैसे न मिले, तो जिसकी वजह से उन लोगों को मजबूरी से हटमेंट्स और स्लम्स में, झुपड़पट्टियों में, स्लम वाले एरियाओं में उनको रहना पड़ता है, बरोबर। और जब इतनी बड़ी वो झुपड़पट्टी बनाकर रह लेते हैं काफ़ी सारे लोग एक साथ, तो जिसकी वजह से हमारी सिटी का पूरा कंस्ट्रक्शन ख़राब हो जाता है। कि सिटी में अगर सोचा हो कि भाई चलो इस तरह से पूरा शहर बनेगा, और उसके बिल्कुल बीच में ये झुपड़पट्टी का पूरा एरिया आ जाता है, स्लम एरिया आ जाता है, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन क्या कह सकते हैं अनरेगुलेट हो जाता है। ये माइग्रेशन की एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है ना। इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, कि जब अर्बनाइजेशन होता है ना, या समझो माइग्रेशन होता है, तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट लोग गांव छोड़कर शहर में आ जाते हैं। और जैसे बताया कि शहर में ऐसे झुपड़पट्टी के एरियाओं में, डर्टी एरियाओं में, वहाँ पर आकर ये रहने लगते हैं, तो जिनकी वजह से वहाँ पर जो उन्हें वाटर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है, जो ड्रेनेज की फैसिलिटी, रोड फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, टॉयलेट, एजुकेशन, स्कूल, हेल्थ सर्विस, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कहते हैं ना, ये सब फैसिलिटीज़ उन्हें मिलनी चाहिए, उतनी मिलती नहीं है। है तो वो भी कंट्री के ही सिटीज़न ना, हमारे ही देश के रहने वाले हैं, जैसे हम लोगों को जितनी फैसिलिटीज़ मिल रही है वही फैसिलिटी उन लोगों को भी मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि ऐसे एरियाओं में गवर्नमेंट जो है वो ये सब फैसिलिटीज़ पहुँचा नहीं पाती, शॉर्टेज हो जाती है। अब सरकार ने समझो जो पीने का पानी है, या सपोज़ पानी की लाइन है, पाइपलाइंस जैसे होती हैं, तो पीने की जो पाइपलाइंस होती हैं वो घर घर तक पहुँचाई है, हर पक्के घर में है, लेकिन उनको थोड़ी पता था शहर में, सरकार को थोड़ी पता था कि भाई यहाँ पर बीच में जो है वो लोग आकर झुपड़पट्टी बनाकर रह जाएंगे, तो उस झुपड़पट्टी में भी जो है वो पानी की लाइन पहुँचनी चाहिए। अब सरकार को ऐसा पता था नहीं ना, उन्होंने तो अपने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो है वो पूरी तैयारी कर ली, लेकिन अचानक वहाँ पर आ जाए तो फिर ऐसी फैसिलिटीज़ की शॉर्टेज हो जाती है ना फिर, बरोबर ना। तो ये माइग्रेशन का नेगेटिव इफ़ेक्ट है। इसके अलावा दूसरा आता है, वो आता है प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, बरोबर, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की प्रॉब्लम। ये भी सही बात है, क्योंकि वो लोग जब आकर जो है वो ऐसे स्लम एरियाओं में, ऐसे डर्टी एरियाओं में रहते हैं, तो वहाँ पर टॉयलेट्स की प्रॉब्लम होती है, ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं होती, तो इसकी वजह से या कोई भी जो है वो प्रॉपर वेस्ट रिमूवल सिस्टम नहीं होता है उनका, तो इन सब की वजह से पूरी गंदगी एक जगह पर जमा रहती है, ठीक है, पूरी गंदगी वहाँ जमा होने लगती है, तो इसकी वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट होता है, बरोबर। इनके आज जो है वो हमारे इंडिया में कितने सारे एग्जांपल्स हैं, हमारे गुजरात में ही अहमदाबाद, अंकलेश्वर, सूरत, या इनके अलावा मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ऐसे प्लेसेस हैं कि जहाँ पर झुपड़पट्टियों के एरियाज़, ये स्लम एरियाज़ जो माइग्रेशन की वजह से क्रिएट हुए हैं, ऐसे स्लम एरियाज़ वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बरोबर ना। इनके अलावा वो लोग जिस एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पर अपना कुछ ना कुछ तो वर्क करते ही होंगे, कुछ ना कुछ तो काम करते रहते होंगे, जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है, ये सब भी तो पॉल्यूशन उनकी वजह से ही क्रिएट होता है ना। इनके अलावा सोशल इवेल्स, ये इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट। इसका मतलब ये कहलाता है कि जो लोग जनरली माइग्रेट करके यहाँ पर आते हैं ना, अपना शहर छोड़कर, गांव छोड़कर जब शहर में आते हैं, तो वो जनरली इसके लिए आते हैं कि उनको अच्छी इनकम मिलेगी, अच्छा काम धंधा मिलेगा, लेकिन जब यहाँ पे उनको जॉब नहीं मिलती, अच्छी इनकम उनको नहीं मिलती, तो इनकी वजह से वो लोग जो है वो मजबूरी से एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं। एंटी सोशल मतलब जो गलत एक्टिविटी, जो नहीं करनी चाहिए, ऐसे कामों में वो फंस जाते हैं, जैसे कि चोरी, लूट, बरोबर ना, ये सब जो होते हैं भाई, इन सब में वो गलती में उसे फंस जाते हैं ना, और इनकी वजह से ये सब सोशल इवेल्स हमारे सोसाइटी को बहुत ख़राब करते हैं, है कि नहीं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब माइग्रेशन के नेगेटिव इफ़ेक्ट हुए ना, आई ना बात समझ में। तो आज जैसे ये पॉइंट्स देखा ना हमने माइग्रेशन के बारे में,
अब ऐसे ही जो दूसरे इश्यूज़ हैं, दूसरे पॉइंट्स हैं, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।